हम लोगों का प्रोडक्ट हल्दी वीटा है, एक पहला टर्मरिक बेस्ड ड्रिंक है पूरे इंडिया में। जितने भी हेल्थ ड्रिंक अवेलेबल है मार्केट में वो सब चॉकलेट बेस्ड हैं, जिसमें और कुछ नहीं सिर्फ चीनी होती है। हमारे पास टर्मरिक हमारे आयुर्वेद का इतना बड़ा सुपर इंग्रेडिएंट है और अभी तक किसी ने उस पर कुछ काम नहीं किया था, तो हम लोगों ने टर्मरिक बेस्ड ड्रिंक बनाया जो कि बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। आपके जितने इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपके जितने भी सेलुलर लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सबको सॉल्व करता है, एंड आपके जॉइंट्स, स्किन, स्टमक, हार्ट सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की इसमें क्षमता है। सो इसलिए हम लोगों ने हल्दी को काफ़ी और पावरफुल इंग्रेडिएंट के साथ मिलाया है, मिक्स बनाया है, एंड मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम इसमें फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं। क्या है जो ब्रांड है, क्या उसको टक्कर दे पाए, क्या उसके बराबर का है, आपका प्रोडक्ट है या उससे ऊपर भी आपका ये प्रोडक्ट काम करता है? मैं उनके साथ डायरेक्टली कम्पीट नहीं कर रहा हूँ, ऑफकोर्स वो इट्स अ वेरी बिग ब्रांड। मेरा ऑब्जेक्टिव लोगों के फार्मर्स के साथ काम करना ज़्यादा है, और हमारी मार्केट थोड़ी डिफरेंट है। हम एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत फोकस कर रहे हैं, और इंडिया में थोड़े ऐसे लोग जिनके पास हेल्दी फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है। मैं इनफैक्ट ये कहूँगा कि मैं कम्पीट नहीं कर रहा हूँ उनसे, बट कि एक तरह का कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस है, जो कि अगर उत्तराखंड में अगर टर्मरिक एक ऐसा इंग्रेडिएंट बन जाए जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रो हो सके, अच्छी क्रॉप अगर निकल सकती है, आई थिंक ये सारे बिजनेसेस जो भी टर्मरिक बेचना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। आपने जो किसान मेठानी जी, आपकी एक संस्था है, एनजीओ है आपका, क्या कारण था आपका जो आप इस कंपनी से जुड़े हैं? देखिए, ज़्यादातर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो उत्तराखंड में है वो सिर्फ चैरिटी बेस्ड है। उनको ये लगता है कि सरकारी प्रोजेक्ट मिल जाएं और सरकार उनको हर साल ग्रांट देती रही, उससे ही काम चलाते रहें। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि लोकल रिसोर्स बेस्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्थानीय संसाधन आधारित स्वरोजगार सृजन। इसलिए हमने कंपनी के साथ टाई अप इसलिए किया क्योंकि ये हमारे किसानों का जो प्रोडक्ट है, जो हल्दी है, जो पीपल कोटी के आसपास के 7-8 गांव में पिछले 8-10 साल में उगाई जाती रही, उस हल्दी के बेटर मार्केटिंग और उसके डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मार्केट में लाएं और किसानों को लाभ मिले, इस वजह से हमने कंपनी के साथ टाई अप किया। आप ब्रांचेज खोलेंगे और कहां वर्कआउट करेंगे और कितने लोगों को आप जोड़ेंगे? सर, अभी तो हम ये पीपल कोटी में ही कर रहे हैं, मटगांव में। इसके बाद हमारा जो है लैंसीडाउन में, हमारे एक हफ्ते बाद लैंसीडाउन के किसानों से हमने मिलना है। वहाँ पे जो भी वहाँ पे ज़्यादातर खड़े मसाले होते हैं, तेज पत्ता हो गया और 2-3 चीज़ और हैं वहाँ पे, तो उनको वहाँ पे हम किसानों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो जिस तरीके से भी वहाँ से आता है हमारे पास किसानों से, जो भी वहाँ पे होता है, हम पहले वहाँ पे से शुरू करेंगे और ऐसे अलग अलग जगह में क्लस्टर बना के हम काम कर रहे हैं।